विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों को पदमुक्त किए जाने की घोषणा के बाद राजनीति गरमाने लगी है, जिस पर संगठन से पदमुक्त होने वाले रतन यादव, रवि निगम एवं कमल साव ने पत्रकार वार्ता लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे संगठन उन्हें पदमुक्त ही क्यों ना कर दे। रतन यादव ने विश्व हिंदू परिषद के रसूखदार पदाधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि वे अपने संगठन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज आएं, नहीं तो उन्हें छत्तीसगढ़ बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता सबक सिखाएगा। कॉन्फ्रेंस किया था, जबकि हमारे संगठन की शैली ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लेकिन संगठन की शैली से हट करके ही अपना तूफान चला रहे हैं। और इन्होंने ये कहा रतन यादव, रवि निगम और कमल साहू को बाहर कर दिया गया है, संगठन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अरे डेढ़ साल बाद बताने की जरूरत क्यों पड़ी आपको भाई? आप तो डेढ़ साल पहले हमको हटा दिए, तो हम लोग तो कार्यकर्ता बन के ही काम कर रहे थे क्या? लेकिन इन लोगों ने बहुत प्लानिंग करने के साथ धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम इनकी बात को मानते नहीं है, ये बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं। हम बंधुआ मजदूर तो है नहीं, हम हिंदुत्व का काम करने वाले लोग हैं। और ये जितने बार वो अभी भी ये लोग जितने भी बार ये लोग वही हरकत किए हैं जो इनको कभी करना नहीं चाहिए था। जहां पर गलत होता वहां पर हम आवाज उठाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम जैसे बोले, जहां बोलेंगे उठो उठे, जहां बोले बैठने तो बैठे। तो हम लोग कोई किसी बंधुआ मजदूर तो है नहीं। ये सब चीज की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने एक गैंग बनाया और हमारे खिलाफ, अगर मेरे से तकलीफ है तो समझ में आता मैं हूं उसका गुनाहगार। पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से आपको तकलीफ है, आपने धीरे धीरे सबको धीरे धीरे हटा दिया प्लानिंग करके, तो ये चीज बर्दाश्त से बाहर है आपने किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम विगत 30 वर्षों से बजरंग दल में काम कर रहे हैं, अपने खून पसीना अपने जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं और इसी में हम करते रहेंगे आगे भी। और मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, इनकी भजन मंडली से हमको ना जोड़ा जाए, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम अपना बजरंग दल चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। जय जय श्री राम। हिंदू परिषद से अलग हो गया? मैं विश्व हिंदू परिषद से आज भी वो जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूंगा। इन लोग के कहने से मैं अलग नहीं होऊंगा। संगठन मेरे खून में बसा हुआ है, संघ परिवार का मैं अभिन्न अंग हूँ। संघ परिवार और संगठन से मैं कभी अलग नहीं हो सकता अपने आप को। ये लोग मुझे अलग बताने का प्रयास कर रहे हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समाज में मुझे काम करना है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का काम करता रहूंगा और मेरे साथ पूरा छत्तीसगढ़ काम करेगा।